भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, आए हाय। अरे भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, दूर खड़ी शर्माए, आए हाय। एक झलक दिखलाए, कभी कभी आंचल में छुप जाए, आए हाय। मेरी नजर से तुम देखो तो यार नजर वो आए, भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, दूर खड़ी शर्माए, आए हाय। एक झलक दिखलाए, कभी कभी आंचल में छुप जाए, आए हाय। Hey, how are you today? Me fine, you fine? जी हाय शगुफ्ता बेटा, बच्चियां खामोश बहुत प्यारी लगती हैं, तुम मत बोला करो। और मेहमान बेटा, तुमने दोनों बाथरूम साफ कर लिए? जी वो बस देखो, मुझे बुरा तो बहुत लग रहा है तुम्हें कहते हुए, लेकिन वहाँ पर तो 8-8 बाथरूम्स हैं। जब तक तुम साफ करके मुझे दिखाओगे नहीं, मुझे कैसे पता लगेगा कि तुम वहाँ जाके काम कर सकते हो या नहीं। आंटी जस्ट अ मिनट, गेट डाउन, गेट डाउन। चॉकलेट कहा था मैंने, होगी। जूही मेरे डॉलर्स या पाउंड्स, कोई करेंसी भी ट्रांसफर होती है, आपकी पेमेंट हो जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ भाई, हम कोई फ्रॉड लोग थोड़ी हैं, आपकी पेमेंट होगी। जब मैंने आपसे कह दिया तो आई मीन इट। कल कोशिश करूंगी पूरी में। जी ओके, खुदा हाफिज। खैर तो है आंटी? खैर है बेटा, वो ट्रेवल एजेंट का फोन था। अगर हमने कल तक उसको 80,000 नहीं दिए तो फिर हम इस हफ्ते नहीं जा सकेंगे। अब मुझे फिक्र इस बात की है कि हमने जिन लोगों को होटल की मैनेजमेंट दी थी, उनकी अपनी छुट्टियां खत्म हो रही हैं। ओह, तो मैं कुछ कर सकता हूँ आंटी? बेटा हमारे यहाँ दामादों से लेना बहुत मायूब समझा जाता है, ये कोई अच्छी बात है? ओहो आंटी, कैसी बातें कर रही हैं आप। आप छोड़े इस बात को। देखिए मेरे पास है एक मोटर बाइक अपना, ठीक, उसके बाद एक कंप्यूटर है, और हाँ कैमरा भी तो है, वो बेच दूंगा और उसके पैसे आपको मिल जाएंगे, खत्म। नहीं बेटा, फिर तुम क्या करोगे? आंटी मैंने तो अमेरिका चले जाना है, और एक ना एक दिन तो इन तमाम चीजों को मुझे बेचना ही था, तो आपके काम आ जाएगी तो अच्छा नहीं लगेगा मुझे। लेकिन एक शर्त पे, कि जो ही मेरी करेंसी ट्रांसफर हुई तुम ये पैसे मुझसे वापस लोगे। आंटी आंटी, अब आपसे पैसे वापस लेता मैं अच्छा लगूंगा कोई? बस बस, अच्छा छोड़े इस बात को, मुझे ये बताएं कि हम जा कब रहे हैं। हम अगले हफ्ते। तुम्हारा पासपोर्ट ऑलरेडी मेरे पास है, वीजा लग चुका है, इंशाल्लाह। क्या? अरे तूने इतने पैसे क्या करने हैं भैया? यार मुझे चाहिए, प्लीज मुझे दे दे, प्लीज। मुझे सही से बता, ये वही लोग पैसे तो नहीं मांग रहे जिनके तू बर्तन भी धो रहा है, जिनके तू किचन भी धो रहा है, जिनको तू खाने पका के भी खिला रहा है, जिनके तू बाथरूम भी धो रहा है? यार देख, वो अब मेरे रिश्तेदार होने वाले, प्लीज उनके बारे में ऐसी बात ना कर। देख मेरी बात सुन, मेरी बड़ी हक हलाल की कमाई है, मैं तुझे फिर वॉर्न कर रहा हूँ, कहीं मुंह के बल ना गिर जाना। यार तू मुझे पैसे दे दे प्लीज। अच्छा हाँ चल एक डील करते हैं, ऐसा करता हूँ मैं अपना मोटरसाइकिल और अपना कंप्यूटर तेरे पास छोड़ जाता हूँ, बस अब तो दे दे पैसे। यार शर्म कर, अब मैं तेरा कंप्यूटर और तेरी मोटरसाइकिल लेकर तुझे पैसे दूंगा? अच्छा मेरी बात सुन, चेक चलेगा? चलेगा नहीं, दौड़ेगा दौड़ेगा। लेकिन मेरी एक शर्त है। बोल। मुझे वापस चाहिए पैसे। कितनी दफा कहूं दे दूंगा पैसे वापस, दे दूंगा। अच्छा आके ले जा चेक। वैसे यार आसिम, यू आर अ ट्रू फ्रेंड माय डियर, थैंक्स अ लॉट यार, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू नुमान, थैंक यू वेरी मच। हाँ ठीक, ये तो मेरा फर्ज था। फ्राइडे को अपना सामान पैक करके यहीं आ जाना, हम यहाँ से इकट्ठे एयरपोर्ट पे चलेंगे। और हाँ,
अगर उस दिन तुम चाहो तो अपने वालदैन को हमसे मिलवा सकते हो। ओके, मुझे पैकिंग करनी है इसलिए मुझे इजाजत दो। अगेन थैंक यू। बाय नुमान, मी वेटिंग यू। रोमांटिक गाड़ी, रोमांटिक बीवी, रोमांटिक बाग, और अमेरिका का टूर। जी मिस्टर गुप्ता को बुलाएं प्लीज। जी किसे? यार मिस्टर गुप्ता को जाएगा प्लीज। शगुफ्ता मेरी माँ का नाम है और जिन्हें मरे हुए आज 16 साल हो गए। वैसे तुम्हें उनसे क्या काम है? नहीं नहीं नहीं, मैं उस शगुफ्ता की बात कर रहा हूँ जिनकी ये गाड़ी है और जिनका नाम मैंने वो बाहर नेम प्लेट पे पढ़ा, वो शगुफ्ता प्लीज चाहे आओ। चंदा तेरा दिमाग ठीक है? ये घर मैंने अपनी माँ के नाम पे बनवाया है। तुम हो कौन भाई? कौन हो तुम? मैं इस घर का मालिक मकान सुल्तान। वैसे तुम कौन हो और बारिश में तंग करने क्यों आ गए हो? पहले ही किराएदार 2 महीने से ज्यादा का किराया लेके भाग गए हैं। किराएदार? तो मिसेस सदीकी अकेली अमरीका चली गई। अमरीका? ओ भाई, कभी उसकी बेटी की जुबान सुनी थी? चंदा मुझे भी यही कह के उन्होंने घर किराए पे लिया था कि उन्होंने वापस अमेरिका चले जाना है, लेकिन वो फ्रॉड लोग थे। पता है वो 2 महीने का किराया लेके भाग गई है मेरा, और जब मैंने तहकीक करवाई तो पता चला कि वो कोई अमेरिका से नहीं बल्कि चक गाफ बे 316 से आई हैं। वो कोई अमेरिकी नहीं, वो फ्रॉडी औरतें हैं। अमेरिका? नहीं, मैंने तो अमेरिका जाना था। मैंने वहां पे काम करना था, खाना पकाना था, मेरे बाथरूम साफ करने थे, मैंने काम करना था काम। हाय अलेफ अमरीका, हाय शीत शाती।